दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया है, आज की वीडियो इन सुपरस्टिक कार्स के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको पांच ऐसी कारों के बारे में बताऊंगा जो कि अपने में अजीबोगरीब है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बैटमोबिल। यह व्यक्ति बैटमैन कार का शायद बहुत बड़ा फैन लगता है। वो चाहता था कि उसके पास भी बैटमैन के जैसी कार हो, तो उसने अपनी कार को मॉडिफाई करके बैटमोबिल में बदल दिया, जिसे बनाने में उसे 5 महीने लग गए। हालांकि कार के तैयार होने के बाद लोगों की तरफ से काफ़ी प्रशंसा मिली, यहां तक कि उसने कार के ऊपर वेपन भी फिट किए थे जिससे ये और भी रियलिस्टिक लग सके। 1967 डॉज। ये पहले पिकअप ट्रक हुआ करती थी, जिसे इस कार के मालिक ने कुछ मॉडिफिकेशन करके इसे हमेशा के लिए एक अजीबोगरीब कार में बदल दिया। अगर आप इसके टायर निकाल दें तो ऐसा लगेगा कि ये कार हवा में उड़ जाएगी। इस प्रकार की कार की रफ्तार ज़्यादा तेज तो नहीं होती, लेकिन इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जरूर जमा हो जाएगी। BMW जीना। साल 2001 में बनाई गई इस कार की बॉडी फैब्रिक से बनाई गई है, जो अपना आकार भी बदल सकती है। ये कार अपना आकार वातावरण के अनुकूल और रफ्तार की वजह से बदलती है, यहाँ तक कि ड्राइवर के पास भी इसके आकार को बदलने के लिए कंट्रोल होते हैं। इसकी फैब्रिक स्किन को पानी से कोई नुकसान नहीं होता, मतलब ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है। एक्चुअली ये कार के ऊपर जो स्किन चढ़ाई गई है वो इसके कॉम्पोनेंट्स को बचाने के लिए है। इसके मालिक ने सोचा होगा कि बिना मोल्डिंग की कार बनाई जाए। फ्लैट मोबाइल कार। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सी कारें देखी होंगी, पर क्या आपने बॉनी कार देखी है कभी? शायद नहीं। दोस्तों, ये है फ्लैट मोबाइल कार। इसको वर्ल्ड लोएस्ट कार का दर्जा भी मिला हुआ है। इस कार की छत सिर्फ 19 इंच की है, पर दोस्तों ये कार कोई मामूली कार नहीं है। इसके छोटे पन पर मत जाइए। 875 cc के इंजन के साथ साथ इसमें जेट इंजन का भी इस्तेमाल किया गया है, जो इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा देता है। 2008 में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया था। इसे 10 दिसंबर 2012 में $150,000 में बेचा गया था। मैट्रिक ट्रक। दिखने में तो ये ट्रक मामूली लगता है, पर इसके टायर नॉर्मल नहीं है। ये टायर्स बर्फीली जगहों पर और उन जगहों पर आसानी से चल सकते हैं जहां कोई नॉर्मल कार नहीं जा सकती। ये ट्रक अपने टायर्स की वजह से फिसलन भरी जगहों पर भी आराम से चल सकते हैं। हालांकि अगर बर्फ़ ज़्यादा गहरी या नरम हो तो इनके टायर ज़रूर फंस जाएंगे।